अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं माइक स्पीकर माइक्रोफोन। ये यूजली यूज होता है मस्जिदों में, तो मस्जिद हमारी जो मस्जिद है, लोकल मस्जिद है, वहां पे काफी पुराना था और वो चल नहीं रहा था, कुछ खराबी थी उसके अंदर। तो मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर किया है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद ये मस्जिद में जाके इसको इंस्टॉल भी करेंगे और देखेंगे ये कैसा चलता है। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये है प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन, तो ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। UHF माइक्रोफोन है ये, जैसे पुराने स्टाइल का है, लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूं, माइक्रोफोन है, हेड माइक्रोफोन, ये इस तरह लग जाता है। ये आपके मुंह के आगे आ जा सकता है। वायर जो है इसके अंदर, इसका ट्रांसमीटर है, ये जो पॉकेट ट्रांसमीटर, इसके अंदर जो है ये तार लग जाती है और आप इसको यहाँ हैंग कर लेते हैं। इसका एंटीना है। इसके अलावा इसके अंदर 333 बैटरीज डलती हैं यहाँ पे। तो ये असल में मस्जिद में जो पुराना है उसका ये खराब था, तो ये अब हमने नया ले लिया है। इसके अलावा माइक भी, माइक जो है वो बड़ा अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, काफी वजनी है और वायरलेस माइक्रोफोन डिजिटल। यहाँ पे आपको लाइट्स भी नजर आएंगी। इसके अंदर भी आई थिंक डबल ए बैटरी, जी यहाँ पे डबल ए बैटरी डल जाएगी इसके अंदर। ये आ गया इसका अडॉप्टर, पावर अडॉप्टर। ये केबल्स आ गई कनेक्ट करने के लिए माइक को इसके एम्पलीफायर के पीछे। और इसके अलावा ये छोटा माइक जो यहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं इस तरह, ये भी यूज हो सकता है। और ये केबल इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लग जाती है। ये आ गया था मेन यूनिट। इसके पीछे आप देखें दो एंटीने हैं और ये दो माइक की जगह है। ये जो मेन एम्पलीफायर वहां पे है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पावर इसकी लगेगी और ये केबल यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी केबल एम्पलीफायर के अंदर चली जाएगी। और ये जो है मेन यूनिट जो है ये इस वायरलेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका पावर बटन है और ये वॉल्यूम कंट्रोल है। और बॉक्स के अंदर ये आगे इसकी यूजर मैनुअल और इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन मौजूद है। इंशाल्लाह इसको मस्जिद के अंदर लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरह चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग मस्जिद में पहुंच गए हैं और माइक्रोफोन सिस्टम जो है यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। तो अभी हम इसको यहाँ पे पुराना जो सिस्टम है उसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये पुराना इसका वायरलेस है जो चलता नहीं है। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, लेकिन बहुत पुराना हो गया, अब ये चलने के काबिल नहीं है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ गया इसका चार्जर। इसका बॉडी पैक, इसको बॉडी पैक कहते हैं। इसके साथ ये माइक है और ये माइक आ गया है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी वजनी है ये। इसके अंदर बैटरी डाल लेते हैं। इसके अंदर दो डबल ए बैटरियां जाएंगी। इसकी पावर ऑन होगी। अब
अब बॉडी पैक के अंदर भी ट्रिपल ए दो बैटरियां डाल लेंगे। यहाँ से ऑन करेंगे इसको, ये ऑन हो गया है। इसका पावर डीसी इन यहाँ पे लगवा लेंगे। केबल जो है थोड़ी सी इसकी छोटी है, इसको नीचे ही रख लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पावर ऑन हो गई है। अब इसको हम पुराने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ केबल थोड़ी छोटी है, पावर ऑन करनी पड़ेगी। हेलो, देखें आप आवाज कैसे माशाल्लाह क्लियर आ रही है इसके अंदर। और ये पुराने जो है एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हम माइक चेक करते हैं। अल्लाहु अकबर, वॉल्यूम कम है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين। जी व्यूअर्स, आवाज़ जो है तमाम स्पीकरों में आ रही है और माशाल्लाह बहुत क्लियर है, पहले से काफ़ी अच्छी है। क्योंकि हमारी मस्जिद का जो है वो माइक बंद हो जाता था जुम्मे के दौरान, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने वैसे ही गेस्ट लगा के इसको ऑर्डर किया था अमेज़ोन से और माशाल्लाह ये काम कर गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन।